वाराणसी में विवादों के बीच आज ज्ञान वापी मस्जिद में पढ़ी जाएगी जुम्मे की नमाज। मस्जिद कमेटी ने कम से कम नमाजियों के आने की अपील की। ज्ञान वापी विवाद पर वाराणसी में बड़ी सुनवाई की तारीख सोमवार को होगी। हिंदू मुस्लिम पक्ष में जिरह। कल की बहस के दौरान हिंदू पक्ष ने दी शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की दलील। कहा शिवलिंग में दिया गया 63 सेंटीमीटर का सुराख। करीब 2 घंटे तक मुस्लिम पक्ष ने अदालत के सामने रखी अपनी बात लेकिन पूरी नहीं हो पाई दलील। सोमवार को फिर से मिलेगा मौका। ज्ञान वापी पर सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावों पर उठाए सवाल। कहा शिवलिंग को लेकर फैलाई जा रही अफवाह। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर तगड़ी चोट। अवंतीपुरा एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। टीवी एक्ट्रेस सामरीन भट्ट की हत्या में शामिल थे दोनों आतंकी। 25 मई को बड़गांव में आतंकियों ने बनाया था अमरीन को निशाना। दोनों आतंकियों की हुई पहचान। लश्कर के कमांडर के निर्देश पर बड़गांव के शाहिद मुश्ताक भट्ट और पुलवामा के फरहान हबीब ने की थी आमरीन की हत्या। आतंकियों के पास से AK-56 राइफल बरामद। 4 मैगजीन भी जब्त। 3 दिन में अब तक 10 आतंकी ढेर। श्रीनगर में भी आतंकियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर जारी। लश्कर के 2 आतंकी ढेर। तेलंगाना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के विवादित बयान का मुद्दा गरमाया। मुस्लिम संगठन ने FIR दर्ज करने की मांग की। बीजेपी नेता बंदी संजय कुमार ने कहा तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनने पर आएगा रामराज। मदरसों और उर्दू भाषा पर होगा प्रतिबंध। थोड़ी देर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का होगा उद्घाटन। पीएम मोदी की मौजूदगी। महोत्सव के दौरान 70 अलग अलग ड्रोन का होगा प्रदर्शन। 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। राजनाथ सिंह ने नेवी अफसरों के साथ योग सत्र में लिया हिस्सा। कर्नाटक में करवार बीच पर योग शिविर का था आयोजन। जयपुर में दिल दहलाने वाली वारदात। मासूम बच्चे पर आधा दर्जन आवारा कुत्तों ने किया हमला। कॉलोनी में सड़क पर जा रहे बच्चे को कुत्तों ने घेरा घसीटकर दूर ले जाने की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुई जयपुर खौफनाक घटना। लोगों ने कुत्ते को भगाकर बच्चे को बचाया। कुत्तों के हमले में बच्चा बुरी तरह जख्मी। आवारा कुत्तों को लेकर लोगों के प्रशासन से भारी नाराजगी। बागपत में एक महिला ने अपनी 2 बेटियों के साथ जहर पीकर की खुदकुशी। गांव वालों का आरोप। एक केस में गिरफ्तारी और बदनामी के डर में पिया जहर। लंदन में हिंदी की मशहूर लेखिका गीतांजलि श्री ने जीता बुकर अवार्ड। 3 दशक से लेखन में है सक्रिय। गीतांजलि श्री भारतीय भाषा में बुकर अवार्ड जीतने वाली पहली लेखिका। 2008 के बाद बुकर में भारत का सूखा किया खत्म। गीतांजलि श्री को अपने मूल उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद के लिए मिला पुरस्कार। टॉम ऑफ सैंड के नाम से हुआ था अनुवाद। गीतांजलि श्री के मूल उपन्यास का नाम है रेत की समाधि। अमेरिकी लेखिका डेजी रॉकवेल ने किया है अंग्रेजी अनुवाद। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जन्मी है गीतांजलि। समारोह के दौरान कहा कभी नहीं देखा था बुकर का सपना। त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता कहलाने से जुड़े विवाद में IAS दंपति का तबादला। IAS संजीव खिरवार का लद्दाख और उनकी पत्नी का अरुणाचल प्रदेश में ट्रांसफर। त्यागराज स्टेडियम पर विवाद के बाद केजरीवाल सरकार का फैसला। रात 10 बजे तक सभी स्टेडियम खुले रखने का आदेश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा फैसला। राज्यपाल की जगह अब मुख्यमंत्री होगा राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर। कानून में बदलाव करेगी सरकार। ममता सरकार के फैसले पर सुलगी सियासत। बीजेपी ने कहा सदन में बहुमत है इसका मतलब कुछ भी नहीं कर सकती हैं वो। ममता सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस ने TMC और बीजेपी दोनों को घेरा। अधीर रंजन चौधरी बोले राज्यपाल और CM में ऐसा तनाव कभी नहीं देखा। MP के ग्वालियर में शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को खराब सड़क देखकर आया गुस्सा। जूते उतारकर उखड़ी सड़क पर चले नंगे पैर। बिहार के जमुई की वायरल गर्ल सीमा कुमारी के घर पहुंचे मंत्री सुमित कुमार सिंह। दिव्यांग छात्रा को दिया हर संभव मदद का भरोसा। आज तक ने दिखाई थी खबर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 3 दिन तक चलने वाले नेशनल सेमिनार और प्रदर्शनी का आगाज। LG मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राज ठाकरे को अयोध्या दौरे पर कहा उत्तर भारतीयों से पहले माफी मांगे बाद में आए दर्शन करने। हरियाणा के अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों पर की कार्रवाई। ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में लिया हिस्सा। हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियां तेज। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ की मीटिंग। राजस्थान के झालावाड़ में कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर के समर्थकों का हंगामा। कानपुर थाने के बाहर तैनात पुलिस पर बल का प्रयोग। कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दर्ज केस। समर्थक नाराज।
पंजाब के जालंधर में बकाया भुगतान को लेकर अड़े गन्ना किसान, सरकार के भरोसे के बाद छोड़ा मोर्चा। पंजाब के पूर्व मंत्री और कपूरथला से विधायक राणा गुरजीत सिंह का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला, पूछा भ्रष्ट मंत्रियों की लिस्ट है तो क्यों नहीं सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने वैश्यावृत्ति को दिया पेशे का दर्जा, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सेक्स वर्कर्स ने फैसले का किया स्वागत। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को गाइडलाइंस की जारी, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी खुशी जताई। पश्चिम बंगाल के हुगली में 18 महीने के बच्चे ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, ग्लोब देखकर बताता है कई देशों के नाम। लखनऊ के गार्डन पार्क में एसआई भर्ती प्रक्रिया मामले में धांधली का आरोप लगाने वाले अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने धूम मानिकपुर गांव में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान, 4 कॉलोनियों को प्राधिकरण ने किया जमीन दोष। राजस्थान के हनुमानगढ़ में गहलोत सरकार का अतिक्रमण के खिलाफ हल्ला बोल, आशियाना छीनने पर महिलाओं ने लगाया बेवजह परेशान करने का आरोप। एमपी के अमरकंटक में प्राचीन काली मंदिर परिसर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, करोड़ों की जमीन पर बना था मौर्य सरकार का अवैध आश्रम। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना इलाके में कलेक्शन एजेंट से 3.5 लाख की लूट, पहले झूठे एक्सीडेंट के नाम पर धमकाया और फिर कैश लेकर फरार। दिल्ली में पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का किया खुलासा, प्रेम प्रसंग में पति की हत्या मामले में कॉन्ट्रैक्ट किलर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार।